हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलन एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं विलियम हेजलेट की, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट एसेइस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है रॉबर्ट लिंड पे, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विलियम हेजलेट वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक, पेंटर, सोशल कमेंटेटर एंड फिलोसोफर। विलियम हेजलेट एक इंग्लिश एसेइस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, पेंटर हैं, सोशल कमेंटेटर हैं एंड फिलोसोफर भी हैं। विलियम हेजलेट इज बेस्ट फॉर हिज इम्फॉर्मल एसेज विच आर एलिगेंटली रिटन एंड कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। विलियम हेजलेट को उनके इम्फॉर्मल एसेज के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और उनके एसेज जो होते हैं वो बहुत सुंदर ढंग से, बहुत एलिगेंटली लिखे हुए होते हैं और बहुत मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन मेडस्टोन कैंट ऑन 10 अप्रैल 1778। विलियम हेजलेट वॉज अ सन ऑफ रेवरेंड विलियम हेजलेट, अ यूनिटेरियन मिनिस्टर। उनका जन्म मेडस्टोन कैंट में 10 अप्रैल 1778 को हुआ था। विलियम हेजलेट रेवरेंड विलियम हेजलेट के पुत्र थे, और जो रेवरेंड हेजलेट थे वो एक यूनिटेरियन मिनिस्टर थे। एज अ रिजल्ट ऑफ सपोर्टिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन, हेजलेट एंड हिज फैमिली वर फोर्स टू लिव कैंट एंड लाइव इन आयरलैंड। अमेरिकन रेवोल्यूशन में समर्थन सपोर्ट करने के परिमाण स्वरूप रेवरेंड हेजलेट और उनकी फैमिली को कैंट छोड़ने और आयरलैंड में रहने के लिए फोर्स किया गया, मजबूर किया गया। The family returned to England in 1787 and settled at Bam in Shropshire. At the age of 15, William Hazlitt was sent to be trained for the ministry try at New Unitarian College at Hackney in London. जो उनकी फैमिली थी वो 1787 में इंग्लैंड वापस लौट आई थी और श्रॉपशायर के वैम में रहने लगी थी, और 15 ईयर की एज में विलियम को लंदन में हैकनी में न्यू यूनिटेरियन कॉलेज में मिनिस्ट्री के लिए प्रशिक्षित होने के लिए भेज दिया गया था। इन 1797 हेजलेट लॉस्ट हिज डिज़ायर टू बिकेम अ यूनिटेरियन मिनिस्टर एंड लेफ्ट द कॉलेज। वाइल इन लंदन Hazlitt became friends with a group of writers with radical political ideas. 1797 में हेजलेट ने एक यूनिटेरियन मिनिस्टर बनने की इच्छा को छोड़ दिया और कॉलेज को भी छोड़ दिया, और लंदन में रहते हुए हेजलेट कट्टर राजनीतिक विचारकों वाले लेखकों के ग्रुप में शामिल हो गए और उनके मित्र बन गए, मतलब फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल थॉट्स वाले जो राइटर्स थे उनमें शामिल हो गए। द ग्रुप इंक्लूडेड PV Shelley, ST Coleridge, चार्ल्स लैम, विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस बार्नेस, लीन हंट एंड लॉर्ड बायरन। जो ग्रुप था उसमें PV Shelley थे, ST Coleridge थे, और भी जो राइटर्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह, लॉर्ड बायरन, ये सब उसमें पहले से ही शामिल थे, है ना, उसके मेंबर पहले से ही थे। एट फर्स्ट अटेम्प्ट टू बिकम अ पोर्ट्रेट पेंटर, बट आफ्टर अ लैक ऑफ सक्सेस ही टर्न टू राइटिंग। चार्ल्स लैम इंट्रोड्यूस हेजलेट टू विलियम गॉडविन एंड अदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स इन लंदन। पहले हेजलेट ने एक चित्रकार बनने की कोशिश की, जब उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने वो छोड़ दिया और लेखन की ओर अपना रुख मोड़ लिया, मतलब लेखन लिखना स्टार्ट कर दिया। और जो चार्ल्स लैम है उन्होंने हेजलेट को विलियम गॉडविन से मिलवाया, और भी अन्य मतलब अदर इम्पॉर्टेंट राइटर्स से भी मिलवाया लंदन में। इन 1805 जोसेफ जॉनसन पब्लिश्ड हेजलेट फर्स्ट बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। 1805 में जोसेफ जॉनसन ने हेजलेट की पहली बुक एन एसेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन सॉरी एसे है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन पब्लिश की। फर्स्ट बुक थी उनकी ये, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि उनकी फर्स्ट बुक किसने पब्लिश की और क्या कहते हैं कब पब्लिश हुई और क्या नाम था उनकी बुक का। तो जोसेफ जॉनसन हैं उन्होंने पब्लिश की, और बुक का नाम क्या था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, तो आपको ये याद होना चाहिए। हेजलेट बिगिन राइटिंग फॉर द टाइम एंड 1808 मैरिड द एडिटर सिस्टर सारा स्टुअर्ट।
जो विलियम हैज़लेट हैं उन्होंने द टाइम्स के लिए लिखना शुरू कर दिया, और 1808 में जो वहाँ के एडिटर थे उनके सिस्टर सारा स्टुअर्ट उनसे शादी कर ली। इन 1813 में जो हैज़लेट हैं, हैज़लेट वॉज एम्प्लॉयड एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर फॉर मॉर्निंग क्रॉनिकल एंड कंट्रीज लीडिंग विंग न्यूज़पेपर। हाउएवर इन हिज आर्टिकल्स हैज़लेट क्रिटिसाइज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। 1813 में हैज़लेट को कंट्री के लीडिंग न्यूज़पेपर विंग न्यूज़पेपर मॉर्निंग क्रॉनिकल में पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। हालांकि हैज़लेट ने अपने आर्टिकल्स में पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी क्रिटिसाइज उनको किया था, मतलब आलोचना की थी उनकी। उसके बाद हैज़लेट जो हैं, हैज़लेट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड द एग्जामिनर अ रेडिकल जर्नल एडिटेड बाय ली हंट। हैज़लेट ने ली हंट द्वारा एडिटेड फंडामेंटलिस्ट मैगजीन द एग्जामिनर में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था। लेटर हैज़लेट रोट फॉर आइडनबर्ग रिव्यू, द येलो डाफ एंड द लंडन मैगजीन। इन दीज जर्नल्स हैज़लेट प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ एसेज ऑन आर्ट, ड्रामा, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। बाद में हैज़लेट ने आइडनबर्ग रिव्यू में येलो डाफ के लिए लिखना स्टार्ट किया, लंदन में मैगजीन थी मतलब ये, उसके लिए लिखना स्टार्ट किया था। और इन मैगजीन में हैज़लेट ने आर्ट, ड्रामा, लिटरेचर, पॉलिटिक्स पर अपने एसेज की एक सीरीज तैयार की। हैज़लेट कंटिन्यू टू राइट अबाउट पॉलिटिक्स एंड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन द सब्जेक्ट्स आर पॉलिटिकल एसेज विद द ड्रॉइंग ऑफ पब्लिक कैरेक्टर्स। हैज़लेट ने पॉलिटिक्स के बारे में लिखना जारी रखा और इन सब्जेक्ट्स पर उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है पॉलिटिकल एसेज, इसमें उन्होंने पब्लिक कैरेक्टर्स के बारे में मतलब बताया, उन पर बेस्ड था ये। विलियम हैज़लेट डाइड ऑफ स्टमक कैंसर ऑन 18 सितंबर 1813। विलियम हैज़लेट की मृत्यु 18 सितंबर को स्टमक कैंसर के कारण हो गई थी, डेट याद रखिएगा। नोटेबल वर्क्स द स्पिरिट ऑफ एज, द स्पिरिट ऑफ एज फर्स्ट पे, सेकंड है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, याद रखिएगा आप लोग, ये नोटेबल वर्क्स हैं उनके, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, टेबल टॉक, राउंड टेबल। ये जो राउंड टेबल है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको जानना चाहिए। तो द फुल टाइटल ऑफ राउंड टेबल इज राउंड टेबल कलेक्शन ऑफ एसे मैन एंड मैनर। ये फुल टाइटल है राउंड टेबल का। आपसे पूछ सकता है कि फुल टाइटल क्या है राउंड टेबल का, तो आपको पता होना चाहिए ना। और एक दो पॉइंट और हैं, द राउंड टेबल इज जॉइंटली रिटन बाय हैज़लेट एंड ली हंट। जो राउंड टेबल है ये जॉइंटली रिटन है, मतलब जॉइंटली वर्क है हैज़लेट और ली हंट द्वारा लिखा हुआ। और द राउंड टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ 40 एसे, मतलब 40 एसेज का कलेक्शन है ये, इन विच हैज़लेट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट 12 एसेज। इसमें हैज़लेट ने 12 एसेज का योगदान दिया है, मतलब इसमें 12 एसे 12 एसे कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। अदर वर्क्स पॉलिटिकल एसे, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एसेज, ये इनके अदर वर्क्स हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी।